जय हिंद दोस्तों। इसरो के वैकेंसी आई हुई हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये 68 वैकेंसी हैं, एप्लीकेशन शुरू हो गई हैं 29 नवंबर से। आज 30 तारीख है, तो 17 तारीख तक लास्ट फीस है जमा करने की। लास्ट 19 तारीख तक ये अप्लाई होंगे। 250 रुपये फीस है सभी के लिए। जनरल OBC, WSC, ST, PH, फिजिकल हैंडीकैप। आयु मिनिमम कुछ नहीं दे रखी इसमें, 28 वर्ष अधिकतम। इंजीनियर की भर्ती है, ये रहा साइंटिस्ट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022। ये वैकेंसी हैं टोटल 68। साइंटिस्ट इंजीनियर कोड दे रखे हैं BE0021, BE0022, ये 33 हैं। इसमें दे रखा क्या क्या चीज़ मांग रहे हैं आपकी, BA BTEC इंजीनियरिंग डिग्री में ब्रांच से कितनी होनी चाहिए, 65% मार्क होने चाहिए। वैलिड स्कोर कार्ड गेट 2021 और गेट नंबर गेट 2022। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन में चलते हैं नोटिफिकेशन पर। ये है यह नोटिफिकेशन, जल्दी जल्दी देख लेते हैं जरूरी चीज़ें। तो इधर रखा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विभाग के केंद्र यूनिट प्रमोचक रॉकेटों एवं संचार सुदूर संवेदन उपग्रहों के डिजाइन एवं निर्माण को और तत्पश्चात उनके प्रमोचन में आत्मनिर्भरता हासिल करने तथा क्षमता निर्माण करते हुए बड़े पैमाने पर समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए हितों हेतु अंतरिक्ष अनुप्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में प्रयासरत है। ये तो दे रखा है इसका शुरुआत। ये धीरे धीरे आपको सारी चीजें देख लेनी है। समूह ए राजपत्रित पद हैं ये आपके लिए, स्तर 10। जैसे स्तर होते बटे हुए उस तरह से स्तर 10 की नौकरी है। दो चार बातें देखेंगे जल्दी जल्दी। ये तो आपने देख लिया कितनी वैकेंसी, 21 इसमें है, कोड 1 में, 2 में 33 है और 3 में 14। सेक्शन योग्यता दे रखी है, बधाई दी उन्होंने, BE और BTEC हैं, 65% ये दे रखे। चलते रहो। ये आवेदन के लिए भी दे रखा है उन्होंने, 29 नवंबर से 19 के बीच में होने हैं। ये है पंजीकरण के पश्चात आवेदकों, ब्लैक में दे रखा, आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए संभाल कर रखा जाना चाहिए। बस दे रखी है जानकारी। चलो आगे। 250 रुपये फीस दे रखी है सभी के लिए इसमें, ये नोटिफिकेशन है। हाँ, ऑनलाइन तरीका मतलब पेमेंट मोड कैसे करना है ना, नेट बैंकिंग, भारतीय स्टेट बैंक, अन्य बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, अन्य बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दे रखे हैं 6 तरीके। चलते रहते हैं। कृपया भुगतान के तरीके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, SBI काउंटरों में के संबंध में बैंकों भुगतान गेटवे के आदेशों का पालन करें। इसमें कुछ खास नहीं दे रखा है, लेकिन नोटिफिकेशन देख लेना जरूरी होता है, कोई चीज छूटे ना। जिधर रखे हैं चयन प्रक्रिया, ये देख, ये काम की चीज है, काम की तो वो भी है ये भी है। देखो चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस है, निर्दिष्ट अर्हता न्यूनतम आवश्यकता है तथा उसे पूरा करने से भी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए अर्हता नहीं होता। 1:7 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की छटनी गेट में प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी, न कि गेट नंबर गेट के अंकों या गेट की रैंक पर। दे रखा उन्होंने अभ्यर्थियों के मूल्य का मूल्यांकन किया जाएगा, अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी या शैक्षिक ज्ञान 40 अंक और सुसंगत सामान्य ज्ञान 20 अंक, प्रस्तुतिकरण संचार कौशल 20 अंक, सार लेखन 10 अंक, शैक्षिक उपलब्धियां 10 अंक, कुल मिलाकर 100 अंक हैं। अभ्यर्थी को साक्षात्कार में 60 अंक प्राप्त करने होंगे, 60 अंक मिलाने। PWD
बी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 50 अंक प्राप्त करने होंगे, फिजिकल हैंडीकैप जो भी हैं जो भी दे रखे हैं इसमें। अंतिम पैनल तैयार करने के लिए गेट प्राप्तांक को 50% तथा साक्षात्कार के प्राप्तांक 50% का महत्व दिया जाएगा। वेतन भत्ते ये आपको 56,100 रुपये मिलेगा मूल वेतन। 10th लेवल की नौकरी है, बढ़िया एकदम इंजीनियरिंग की। छुट्टी यात्रा समूह बीमा मकान बनाने हेतु अग्रिम इत्यादि केंद्रीय सरकार का रिश्वत दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विषय का मौजूदा नियमों के अनुसार डीए दिया जाएगा, जो बदलाव होते रहते हैं वेतन भत्ते बढ़ते रहते हैं। अन्य शर्तें हैं ये, द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेटेड इन प्रोविजनल, निर्दिष्ट रिक्तियों की संख्या अनंतिम है। अच्छा, मतलब बढ़ भी सकती हैं। पद स्थाई है परंतु जारी रहने की संभावना है। इसरो के केंद्रों यूनिटों के विवरण के लिए कृपया इतने पर देखें वेबसाइट http://www.isro.gov.in जो भी ले रखी है साइट। इंटरव्यू, इसमें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में साक्षात्कार के स्थान पर इंगित किए गए शहर से सबसे छोटे मार्ग से आने जाने हेतु द्वितीय श्रेणी का रेलवे किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। उक्त उद्देश्य के लिए पते एवं शहर में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। सीधी सीधे रखिए, जरूर देख लेना इसको। चलते हैं आगे। 16 नंबर, यह अभ्यर्थी का पूर्ण उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि अधिसूचना मापदंड को पूरा करता है करती है। बस ये है महत्वपूर्ण चीज। 29 तारीख से चालू है, 29 नवंबर से 21, और अंतिम शुल्क प्राप्त जमा करने की तारीख है 21 दिसंबर। 15 दिन चलेंगे, 15-20 दिन, 20 दिन चल रहे हैं फॉर्म। ठीक है, जानकर कैसे लगे जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।